तो बच्चों कैसे हैं आप सब। बहुत बहुत स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज का ये वीडियो क्लास 12th के बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 12th का जो सोशियोलॉजी सब्जेक्ट है आपका, हिंदी में जिसको आप समाजशास्त्र भी बोलते हैं, इसका सीबीएसई का लेटेस्ट सिलेबस कह लीजिए या फाइनल सिलेबस कह लीजिए, आज की इस एक वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं। और अगर आप अपना बोर्ड एग्जाम 2023-24 में देने वाले हैं तो आपके लिए ये वीडियो होने वाला है, क्योंकि जो सिलेबस बताऊंगा 2023-24 के लिए बताऊंगा, ठीक है। ये वीडियो हिंदी मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाला है, साथ ही साथ इंग्लिश मीडियम के बच्चों के लिए भी होने वाला है। तो अगर आप हिंदी मीडियम से पढ़ते हैं तो भी आप ये वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा, और अगर आप इंग्लिश मीडियम से पढ़ते हैं, आपके पास इंग्लिश मीडियम में सोशियोलॉजी है, तो भी आप इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस एक वीडियो के अंदर आपको मैं वो सारी चीजें बता दूंगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं इस साल के सिलेबस के अंदर सोशियोलॉजी सब्जेक्ट में, और कौन कौन से आपको जो चैप्टर है, जो पार्ट है, वो नहीं पढ़ने हैं, ठीक है। पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। एक स्पेशल रिक्वेस्ट रहेगा आप सभी बच्चों से, अगर आपके पास सोशियोलॉजी का बुक है एनसीईआरटी का, तो उसको लेकर के बैठ जाइए। अगर आपके पास किताब नहीं है, बुक नहीं है, तो एक नोटबुक यानी कि एक कॉपी लेकर के बैठ जाइए, जिससे कि क्या होगा कि जो भी मैं आपको बताने वाला हूँ चैप्टर्स की, हाँ ये चैप्टर पढ़ना है, ये चैप्टर नहीं पढ़ना है, तो अगर आपके पास किताब है तो उसमें निशान लगा लीजिए। अगर आपके पास किताब नहीं है तो आप अपना नोटबुक में यानी कि जो कॉपी है उसमें लिख लीजिए। इससे ये होगा कि अभी जो आप ये टाइम दे करके, अपना कीमती समय दे करके ये वीडियो देख रहे हैं और अपना सिलेबस समझ रहे हैं, फ्यूचर में आपको और टाइम देने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका कीमती समय बचेगा। और आपको अगर सिलेबस दोबारा समझना होगा तो अगर आपने किताब में निशान लगा रखा है तो इजीली क्या करेंगे, किताब खोलेंगे, उसमें आपको दिख जाएगा कि कौन कौन से चैप्टर पढ़ने हैं। अगर आपने जो है सो कि एक नोटबुक में लिख रखा है तो उसमें भी आप इजीली देख करके समझ सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप जरूर कीजिएगा, हर वीडियो में जो सिलेबस वाला वीडियो होता है उसमें ये बोलता हूँ, क्योंकि भैया इससे आपका ही फायदा है, फ्यूचर में आपका टाइम बचेगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आपका कोई डाउट होता है जो आप मुझसे पूछना चाहते हैं तो बेझिझक आप मुझसे इंस्टाग्राम पे पूछ सकते हैं। ये मेरा इंस्टाग्राम का आईडी है jayjha07। इंस्टाग्राम पे जाकर के सर्च मारेंगे तो मेरा ये आईडी, मतलब ये जो है आपको देखने को मिल जाएगा, jayjha07। जैसे ही आप सर्च करेंगे ना तो मेरा चेहरा आपको देखने को मिलेगा, ये देख ही सकते हैं। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर जी फेस रिवील कर दो, तो लोग कर दिया आपके लिए, इसीलिए ठोको लाइक, ठीक है। खैर बैड जोक यार, आगे चलते हैं। अगर आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप में नहीं ज्वाइन हुए हैं या टेलीग्राम चैनल कह लीजिए, तो जरूर ज्वाइन हो जाइए। यहाँ पर अगर आपको टेलीग्राम में ज्वाइन होना है तो सिंपली आपको टेलीग्राम पे जाकर के सर्च करना है class12 CBSE 1 2 3। ये जैसे ही आप टेलीग्राम पे जाकर सर्च करेंगे, आपको हमारा टेलीग्राम का जो चैनल है क्लास 12th के बच्चों के लिए वो देखने को मिल जाएगा, जहाँ पर 3000 के आसपास ऑलरेडी बच्चे ज्वाइन हो चुके हैं। तो आप भी जरूर ज्वाइन हो जाइए। इंपॉर्टेंट अपडेट, PDF वगैरह हम वहाँ पर सेंड करते रहते हैं, जो चीजें इंस्टेंटली हम यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं करवा पाते हैं वो चीजें हम आपको वहाँ पर देते रहते हैं। तो अगर आप अभी तक ज्वाइन नहीं हुए तो जरूर ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, अपना सिलेबस समझते हैं। अपना सिलेबस समझने से पहले आप ये समझिए कि सोशियोलॉजी यानी समाजशास्त्र के अंदर आपके पास किताबें कितनी होने वाली है। तो टोटल दो बुक होने वाली है आपके पास। पहला वाला जो बुक आपका रहेगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारतीय समाज करके ये रहेगा आपका, ठीक है, इंडियन सोसाइटी वाला, इंग्लिश में अगर मैं बात करूँ तो। और दूसरा वाला जो बुक रहेगा, सेकेंड बुक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास, ठीक है, ये आपका सेकेंड बुक रहेगा। इन दोनों ही किताबों के अंदर से पूरा सिलेबस आपका बनता है और पूरे साल भर आपको वही चीज आपको पढ़ना है, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या नहीं पढ़ना है। बुक नंबर 1 जो है आपका भारतीय समाज वाला, इसका जो विषय सूची वाला पेज होता है वो मैंने निकाल लिया है। इसके अंदर से देखिए कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं, कौन कौन से चैप्टर आपको नहीं पढ़ने हैं। तो पहला जो चैप्टर है आपका अध्याय 1, भारतीय समाज एक परिचय, ये नहीं पढ़ना है एक तरह से कह लीजिए। अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वैसे ये मूल्यांकन के लिए नहीं है, ठीक है। तो एग्जाम के अगर उससे देखा जाए, एग्जाम या कह लीजिए परीक्षा की दृष्टि से, तो ये इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर आप अपनी नॉलेज के लिए पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, वैसे अगर बात करें तो चलो इसको काट देते हैं, यानी कि ये चैप्टर आपका नहीं आ रहा है, ठीक है। दूसरा जो चैप्टर है आपका भारतीय समाज की जनसांख्यिकीय संरचना, ये आपको पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है आपका सामाजिक संस्थाएं निरंतरता एवं परिवर्तन, ये भी पढ़ना है। चौथा जो चैप्टर है आपका यहाँ पर बाजार एक सामाजिक संस्था के रूप में, ये नहीं पढ़ना है, ये डिलीट हो चुका है इस साल के सिलेबस के अंदर। पांचवा जो चैप्टर है आपका सामाजिक विषमता एवं बहिष्कार के स्वरूप, ये पढ़ना है। छठा जो चैप्टर है आपका सांस्कृतिक विविधता की चुनौतियां, ये पढ़ना है। और सातवा जो चैप्टर है आपका वो नहीं पढ़ना है, परियोजना कार्य के लिए सुझाव, ठीक है, ये मूल्यांकन के लिए नहीं है बेसिकली, तो ये नहीं पढ़ना है आपको, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। तो जो पहला वाला बुक है आपका भारतीय समाज, उसके अंदर से कितने चैप्टर एक तरह से डिलीट है, तो पहला डिलीट हो चुका है एक तरह से मान लीजिए, क्योंकि मूल्यांकन के लिए तो है ही नहीं है, ठीक है। चौथा डिलीट है और यहाँ पर सातवां भी मूल्यांकन के लिए नहीं है, तो ये भी आपको नहीं पढ़ना, ठीक है। कितने चैप्टर आ रहे हैं यहाँ पर आप देखेंगे तो एक ये आ रहा है, ये दूसरा आ रहा है, ये आपका तीसरा और ये चौथा, ठीक है। तो फर्स्ट वाली बुक से आपको टोटल 4 लेसन पढ़ने हैं, ठीक है, 1, 2, 3 और 1, 4।
चलिए आगे चलते हैं। सेकंड वाला जो बुक है आपका भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास वाला, इसमें से देखिए क्या क्या पढ़ना है। पहला जो चैप्टर है आपका संरचनात्मक परिवर्तन, ये पढ़ना है। दूसरा जो चैप्टर है आपका सांस्कृतिक परिवर्तन, ये भी पढ़ना है। तीसरा जो चैप्टर है आपका भारतीय लोकतंत्र की कहानियां, ये नहीं पढ़ना है, ये डिलीट हो चुका है। चौथा जो चैप्टर है आपका ग्रामीण समाज में विकास एवं परिवर्तन, ये पढ़ना है। पांचवा जो चैप्टर है आपका औद्योगिक समाज में परिवर्तन और विकास, ये भी पढ़ना है आपको। छठा जो चैप्टर है आपका भूमंडलीकरण और सामाजिक परिवर्तन, ये नहीं पढ़ना है। सातवा जो चैप्टर है आपका जनसंपर्क साधन और जनसंचार, ये भी नहीं पढ़ना है, ये भी डिलीट हो चुका है, ठीक है। उसके बाद आठवां जो चैप्टर है आपका सामाजिक आंदोलन, ये पढ़ना है आपको, ठीक है। तो सेकंड वाली बुक यानी कि भारत में सामाजिक परिवर्तन एवं विकास वाली ये जो बुक है, इसके अंदर से कितने चैप्टर डिलीट है, तो तीन चैप्टर डिलीट है भैया, ठीक है। कितने चैप्टर आ रहे हैं, तो यहाँ पर आप देखेंगे एक दो, ठीक है, तीन चार और एक पांच, ठीक है। यानी कि पांच चैप्टर आपको इस वाली बुक से पढ़ना है, और उस वाली बुक से यानी ये जो आप देख रहे हैं ये फर्स्ट वाली जो बुक है, इसमें से कितना पढ़ना है, चार चैप्टर पढ़ना, ठीक है। तो कितना हो गया भैया, पांच और यहाँ पे ले लेते हैं चार, तो पांच चार कितना हो गया, नौ चैप्टर आपको पूरे इस साल के सिलेबस के अंदर पढ़ना है दोनों किताबों को मिला करके, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। यही सारी चीजें इंग्लिश मीडियम में समझ लीजिए, यहाँ पर ये जो आपका सिलेबस रहेगा सब कुछ सेम रहेगा, कंटेंट रहेगा वो भी सेम रहेगा, बस लैंग्वेज चेंज हो जाएगा आपका, यहाँ पर इंग्लिश हो जाएगा, ठीक है। इंग्लिश में जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है उसका नाम हो जाएगा इंडियन सोसाइटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं पहली बुक है आपकी, ठीक है। इस तरह से अगर बात करें यहाँ पर चैप्टर्स की, तो पहला चैप्टर आपका वही मूल्यांकन के लिए तो नहीं है, तो डिलीट मान लीजिए। दूसरा चैप्टर आ रहा है, तीसरा भी आ रहा है, चौथा चैप्टर आपका डिलीट है, द मार्केट एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, ये डिलीट हो चुका है। पांचवा जो चैप्टर है ये भी आ रहा है, छठा चैप्टर भी आ रहा है, सातवां चैप्टर मूल्यांकन के लिए नहीं है तो डिलीट मान लीजिए। सजेशंस फॉर प्रोजेक्ट वर्क, ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं। इसके आगे चलते हैं, सेकंड वाली जो आपकी बुक है सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया, ये वाली जो बुक है आपकी दूसरी बुक, इसमें से देखिए पहला चैप्टर जैसे कि मैंने आपको बताया स्ट्रक्चरल चेंज, ये आ रहा है। दूसरा जो चैप्टर है आपका कल्चरल चेंज, ये भी आ रहा है। तीसरा जो चैप्टर है आपका द स्टोरी ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी, ये नहीं आ रहा है, डिलीट है ये आपका। चौथा जो चैप्टर है आपका चेंज एंड डेवलपमेंट इन रूरल सोसाइटी, ये आ रहा है। पांचवा जो चैप्टर है आपका चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडस्ट्रियल सोसाइटी, ये भी आ रहा है। छठा जो चैप्टर है आपका ग्लोबलाइजेशन एंड सोशल चेंज, ये नहीं आ रहा है, डिलीट हो चुका है। सातवा जो चैप्टर है आपका मास मीडिया एंड कम्युनिकेशन, ये भी डिलीट है, ये नहीं आ रहा है। और आठवा जो चैप्टर है आपका सोशल मूवमेंट्स, ये आ रहा है, ठीक है। तो कितने चैप्टर डिलीट है भैया, तीसरा चैप्टर यहाँ पर, छठा चैप्टर और सातवां चैप्टर, ये डिलीट है, बाकी सब कुछ आपको पढ़ना है, ठीक है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा आपका सिलेबस। अगर मैं बात करूँ सीबीएसई की, जो सीबीएसई की तरफ से ऑफिशियल पीडीएफ आता है उसके अंदर देखेंगे तो कुछ इस टाइप का यहाँ पर आपका सिलेबस बता रखा है, और भी डिटेल में बता रखा है, आप चाहे तो डाउनलोड करके वहां पर देख सकते हैं। जो मेन चीज था मैंने आपके यहाँ पर स्लाइड में लगा दिया है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो आपकी फर्स्ट वाली बुक है यानी पहली बुक है इंडियन सोसाइटी वाली, उसके अंदर से देखेंगे तो ये सारे चैप्टर आ रहे हैं आपके, ठीक है, जिसमें से पहला चैप्टर तो मूल्यांकन के लिए नहीं है और सातवां नहीं है। तो कितने हैं भैया, यहाँ पर आप देख सकते हैं चार चैप्टर हो गए पहली वाली बुक से, और दूसरा जो बुक है आपका सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट इन इंडिया करके, तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये चैप्टर आपके आ रहे हैं, ठीक है। इसमें से भी देखेंगे एक दो तीन चार पांच, ये हो गए आपके दूसरी वाली बुक से, और चार चैप्टर हो गए आपके पहली वाली बुक से, यानी कि नौ लेसन आपको पढ़ने हैं, ठीक है, यहाँ पर आप देख ही सकते हैं। तो इस तरह से आपका ये सिलेबस था, आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आज का ये वीडियो यहीं तक था, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिए, जितना ज्यादा आप वीडियो को लाइक करते हैं उतना ज्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ता है और वीडियोस को बनाने के लिए। आपका एक लाइक हमारा मोटिवेशन का लेवल जो है लाखों करोड़ों अरबों खरबों पता नहीं कितने गुना बढ़ा देता है, तो लाइक जरूर कीजिएगा वीडियो को, इससे हमारा मोटिवेशन का लेवल बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, ठीक है। अगर आप हमारे चैनल पर नए आ गए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इसी प्रकार की वीडियोस हम आपके लिए लेकर के आते रहते हैं। जैसे ही आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे बगल में आपको बेल का घंटी या घंटा कुछ भी कह सकते हैं उसका आइकन देखने को मिलेगा, उसको प्रेस करके ऑल पे क्लिक कर दीजिएगा, जिससे कि जो भी हम नया वीडियो डालें उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके फोन पर आ जाए करे, और आपकी जो तैयारी है आपके एग्जाम्स की वो और भी बेहतर से बेहतर तरीके से हो सके। आज के लिए इतना ही बच्चों, मिलता हूँ आपसे अगली और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, खुश रखिए सभी को, जय हिंद वंदे मातरम, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, जय हिंद।